नहीं, ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, ये भोजपुरी में मेरी पहली फिल्म है और इससे पहले मैं झारखंड बिहार कर चुकी हूँ और जमशेदपुर में ही मेरे सीरियल चलते थे लोकल चैनल पे, वहाँ पे व्यथा एक कथा जिस पे भी मैं लीड कैरेक्टर में थी। सर, भोजपुरी में फर्स्ट टाइम करी और मुझे खुशी है कि सुनील मोटवानी जी ने मुझे ये मौका दिया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने फिर हाँ की। डांसिंग में मैं भांगड़ा जानती हूँ, फोक डांस जानती हूँ और आगे चल करके मैं चाहूँगी कि मुझे मतलब डिफरेंट कैरेक्टर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कोशिश यही रहेगी कि अलग अलग तरह का मुझे किरदार मिले। और उनके हीरो हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म के हीरो हैं विजय राज जी और अजय दीक्षित जी हैं, जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और उनका भी बहुत अच्छा इनमें रोल है। और इसके अलावा कोई स्क्रिप्ट कर रही हैं, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं इस फिल्म के अलावा? नहीं, अभी इस फिल्म के अलावा किसी प्रोजेक्ट में नहीं हूँ, अभी इसी फिल्म में हूँ। जी बिल्कुल, मैं आप पहले तो बता दूँ कि आप सब यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच मीडिया एंड जितने भी गेस्ट आए यहाँ पे, सबको थैंक्स। और बहुत खुश हूँ मैं आज, क्योंकि सनम परदेशिया एक टाइटल अपने आप में बहुत ही जानदार, बहुत ही कमाल का टाइटल है। डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर और फिल्म के जो कथा उन्होंने लिखा है सुनील मोटवानी जी ने, जिन्होंने मुझे स्टोरी सुनाया, बोला यार इस बदलाव में इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है सर, और इस दौर में आप इस टाइप के फिल्में प्लान रहे, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जज्बा, उसको सैल्यूट करता हूँ। और मुझे बताया कि इस टाइप का रोल है आपका, तो मैंने कहा सर मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक रैप स्टाइल है, आप थोड़ा फनीस्ट करते। मैंने कहा नहीं सर, एक एक्टर के लिए कोई भी एक रोल हो, उस किरदार में जाना चाहिए, उसको निभाना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्टर और एक्टिंग। तो कमाल का कॉन्सेप्ट है, कमाल का नया टीम है, अच्छा लगेगा मुझे काम करके। मैं अपने गुरु जो हमारे थिएटर के हैं शिवलाल सागर जी, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, पर उन्होंने मुझे बताया, थिएटर तक लेकर गए। और सबसे उसके बाद मैं सुनील सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस पे काम करने का। मेरा जो कैरेक्टर है एक गरीब लड़की का है इस फिल्म में, जो बहुत ही अच्छी है, चुलबुली सी है, नटखटी टाइप की है, तो अच्छा केमिस्ट्री होने, हाँ केमिस्ट्री अच्छा होने वाला है। जी बिल्कुल, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और अच्छा लगता है मुझे हर एक डिफरेंट टाइप का काम करना, डिफरेंट जोड़ी, नए नए लोगों के साथ काम करना, एक्सपीरियंस बढ़ता है, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हर एक आदमी से, और मैं भी तो सीख ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ चीज़ें। और मेरे इसमें बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जो सनम परदेशिया था, अजय दीक्षित आप लोग जानते होंगे, उनके साथ काम करने का पहला मौका मिलेगा मुझे, बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, अच्छा लगेगा मुझे उनके साथ भी बहुत काम करने में। सुनील जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम करने जा रहा हूँ, उनके साथ अच्छा लगेगा काम करना। ये हीरोइन है बहुत ही कमाल, बहुत ही टैलेंटेड है, वो देखने को मिलेगा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सुकून साहू जी को मैं बहुत ही तहे दिल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और सबको एक साथ मेरा बहुत ही प्रणाम है और वेल विशेस है, और हम साथ काम करें और अच्छी फिल्म बनाए और अच्छा काम करें बस। सर, गाने का तो अभी एक जॉनर है मेरा, अब उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को, बट थोड़ा सा डिफरेंट आपका जॉनर है, वो अभी आप लोग को नहीं सुनाऊंगा मैं। हाँ सर, इस फिल्म में सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म पूरी फैमिली बैठ करके एक साथ देख सकते हैं, इसमें कोई भी आइटम सॉन्ग नहीं है, कोई भी वल्गैरिटी नहीं इस फिल्म में। मतलब एक होता ना कि कभी कभी भोजपुरी देखते तो लोग सोचते हैं पूरी फैमिली बैठ कर नहीं देख पाते हैं, तो इस फिल्म में ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है। थोड़ा सा बदलाव है, नया है कुछ। एक चीज़ कहना चाहूँगा आप सबसे, इनके कहने का मतलब ये था कि जो फैमिली जिसको बोलते हैं कि जो लेडी है हमारे यहाँ की, जो बच्चे हैं, जो हमसे दूर हो गया है, जितने लोग हमसे हमारी इंडस्ट्री से दूर हो गई है, इस फिल्म के जरिए उनको लाने की और उनको फिल्म दिखाने की कोशिश है, उसके लिए मैं थैंक